केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को रांची आने वाले हैं और रांची में रोड शो करेंगे। उनके दौरे को लेकर के पार्टी के साथ ही जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह का रोड शो चुटिया इलाके में होगा। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। अगियांव विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार प्रभुनाथ राम ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन के बाद आयोजित सभा में लोकसभा उम्मीदवार आरके सिंह भी शामिल हुए। आरके सिंह ने अगियांव की जनता से जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। आरके सिंह ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। लेकिन हम बताया था जिनके मन में ये नहीं घर किया है उनको ये घर कर जाना चाहिए। माले वो है जो कि अकारण हत्या करता है, अकारण हत्या करता था। माले वो है जो कि अकारण लेवी लगाता था। आपका इनका का बढ़ता है, आपका खेत है, आपका कुछ है, आपको लेवी देना होगा। माले वो है जो झूठा मुकदमा करवाता था और है, और आज भी अभियान के लोग चाहते हैं कि झूठा मुकदमा पूर्व विधायक करा करके। ये माले के नक्सल में लिखा हुआ है। माले को क्या कहा करता है लोगों को, नक्सलों को मूल कटवा सब कर अभी वो गठबंधन कर दिए पॉलिटिक्स के लिए। ये लालू यादव भरवा वर्ष में कर दी सब कटवा भारत हो। रांची से एक बड़ी खबर है, आज भी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ होगी। मंगलवार को ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की आलमगीर आलम से। कैश कांड को लेकर के ईडी ने सवाल जवाब किए मंत्री आलमगीर आलम से। आय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लाने के भी निर्देश दिए गए और मंत्री के पीएस के सहयोगी के घर से कैश मिला था। 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया था। तो आपको बता दें कि इसी सिलसिले में मंत्री आलमगीर आलम से आज भी पूछताछ ईडी कर सकती है। कल भी 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ किया था। कई सवालों के जवाब अब मंत्री आलमगीर आलम को देने पड़े थे। 37 करोड़ के करीब कैश की बरामदगी हुई थी और इसी सिलसिले में आपको बता दें मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 और लोगों को रिमांड पर ईडी ने लिया है। पूछताछ उनसे भी की जा रही है और मंत्री आलमगीर आलम से भी अब कैश कांड से जुड़े हुए सवाल किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ईडी ने जहांगीर के घर से 35 करोड़ नगद बरामद किया था और पैसा टेंडर में कमीशन से कमाया हुआ बताया गया। तो आपको बता दें कि संजीव लाल और जहांगीर दोनों ईडी के रिमांड पर हैं, उन दोनों से भी पूछताछ की जा रही है। मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी ने पूछताछ की है 10 घंटे तक।